हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, बड़े सारे दिनों से मैंने जो है चाउमीन नहीं बनाया, तो मेरा आज बड़ा मन कर रहा है कि मैं चाउमीन बनाऊं। तो मैं बना रही हूँ एग चाउमीन, एग नूडल्स। बहुत ही मजेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी, स्पाइसी, अमेजिंग बनते हैं। हालांकि मैं स्पाइस थोड़ा सा कम ही डालूंगी, क्योंकि स्पाइस कम ही खाते हैं वैसे। अगर आप चाहते हो तो स्पाइस इंक्रीज कर सकते हो, जैसे अगर आप खाते हो चाउमीन वगैरह बनाते हो घर पे। तो चलिए मैं आपको रेसिपी आज बताती हूँ, शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। बहुत सारे दिनों से मैंने रेसिपी नहीं डाली अपने चैनल में। बड़े सारे लोग, मेरे फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, मेरे सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दी आप कोई रेसिपी डालिए जल्दी से। तो हियर आई एम। चलिए बताती हूँ मैं आपको मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे ये है हक्का नूडल्स, जैसे मैंने ये वेज फ्लेवर में लिया। इसमें एग फ्लेवर आता है, तरह तरह के फ्लेवर्स आते हैं। तो ये 400 ग्राम है, बट मैं 400 ग्राम नहीं डालूंगी इसमें से। मैं मे बी जस्ट एक रोल में, इतना सा पोर्शन मैं इसका इस्तेमाल करूंगी, एक रोल में इस्तेमाल करूंगी। दो अंडे मैं ले रही हूँ। मेरा कुछ लेफ्ट ओवर ग्रीन चिली आधी डलेगी इसमें, छोटा सा प्याज है उसे मैं डाल लूंगी, और आधा सा मैं टमाटर डालूंगी इसमें, ज्यादा नहीं डलेगा बिल्कुल भी। कुछ मसाले डलेंगे, जीरा है यहाँ पे, ये है धनिया जीरा पाउडर, यह है सॉल्ट, यह है हल्दी, यह है लाल मिर्च पाउडर, हरी प्याज डलेगी इसमें, फ्रेश हरी प्याज है, बिकॉज फ्रेश चलेगी, इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। यहाँ पे कुछ खास सॉसेस और मसाले जो लगती हैं नूडल्स में, ये है डार्क सोया सॉस, ये है हमारी वेनेगर, ये हमारी चिली, ये हमारी रेड चिली, देन ये यहाँ पे लगेगी ग्रीन चिली, देन यहाँ पे ये है गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा लगेगा। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द रेसिपी, लेट्स हैव फन एंड लेट्स एंजॉय दिस यमी नूडल्स वंस इट इज डन। तो मैं रेसिपी बिगिन करती हूँ। बिगिन करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत अच्छी, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, सारा पिटारा है मेरे पास वीडियोज का, जो आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा, ब्यूटी, मेकअप, कुकिंग, फन, एवरीथिंग। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड चलिए आगे बढ़ते हैं रेसिपी के साथ। सबसे पहले मैं नूडल्स को बॉईल करूंगी, इसको मैं बॉईल करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे मैंने ना चॉपिंग कर ली है, जो हरी प्याज मैंने आपको बताई थी ना उसको मैंने चॉप कर लिया है। थोड़ी सी मैंने अराउंड 3 से 4 मैंने स्ट्रैंड्स ली हरी प्याज की। जो आधा प्याज और हरी मिर्च मैंने आपको बताई थी वो भी मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। टमाटर चॉप्ड है एंड अंडे को ना आपको इस तरीके से फोड़ के फेंट लीजिए आप एक कटोरी में या बाउल में, तो बेहतर रहेगा। देन आप नूडल्स देख सकते हो, नूडल्स को ना मैंने पानी गर्म करके ना उसमें बस 1 से 2 मिनट के लिए इनको छोड़ दिया था एंड दे आर रेडी। ज्यादा गलाना नहीं है नूडल्स को, ठीक है ना, गलाना नहीं है बिल्कुल भी। इस तरीके की कंसिस्टेंसी में हो जाने चाहिए जो आपके हाथ पे चिपके नहीं एंड नरम हो जाए बिल्कुल। तो आई एम जस्ट स्विचिंग ऑफ द गैस, गैस को मैंने बंद कर दिया एंड नूडल्स जो है इसका पानी आप अभी ड्रेन आउट कर लीजिए। तो पानी में ड्रेन आउट कर लेती हूँ इसका। दोस्तों नूडल्स का पानी मैंने ड्रेन आउट कर दिया है, नूडल्स आर परफेक्ट, ये बिल्कुल हाथ में जो है ना चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल अभी रेडी है। तो इसी कंसिस्टेंसी में आपको जो है जस्ट पानी आप गर्म कर लीजिए अच्छे से, खुला पानी लीजिए। ये मैंने एक रोल ली है नूडल्स की टोटल, तो अच्छे से गर्म करके उसमें ना आप बस 1-2 मिनट के लिए इनको डाल देना, तो ये बिल्कुल इस तरीके से नरम हो जाएंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देना पानी में बॉयल करते टाइम पे, 1-2 ड्रॉप बस, दैट इज गुड टू गो। चलिए लेट्स बिगिन विद द प्रिपरेशन। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है। पैन में ना मैंने 2 बड़े चम्मच तेल के डाले हैं, जिसके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले डालूंगी जीरा। सो तेल गर्म होने दीजिए, गर्म होने के बाद ही डालिएगा। तो मैंने तेल को गर्म होने दे दिया, यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ऑफ जीरा डाल रही हूँ। जीरा को अच्छे से तिड़कने देंगे, मतलब फ्राई होने देंगे। अभी दोस्तों मैंने इसमें डाल दी, तो मैंने आधी छोटी प्याज, आधी हरी मिर्च और जो 4 स्ट्रैंड्स मैंने ली थी हरी प्याज की, वो मैंने डाल दी है। थोड़ा सा इसको मैं फ्राई करूंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, हल्की से मैंने इसको फ्राई किया, ज्यादा नहीं। अभी इसमें डलेगी आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, देन इसमें डलेगा 1 चम्मच नमक, स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, देन डलेगा धनिया जीरा पाउडर आधी चम्मच, और इन सारी चीजों को हल्के से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और फ्लेम को जो है ना आप मीडियम हाई पे रखिएगा, एकदम हाई पे भी मत रखिएगा। थोड़ा सा मसालों को यहाँ पे भून लेते हैं, और अभी जो है ना थोड़ा सा गैस को हाई करके ये साइड करूंगी मैं, यहाँ पे इस तरीके से इनको साइड कर दिया, और जो अंडा मैंने आपको बताया था ना उसको यहाँ पे डाल देती हूँ कॉर्नर में एकदम, ठीक है। थोड़ा सा अंडा भी पकने देंगे, देन सारी चीजों को मिक्स कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो साइड बाय साइड ना अंडा भी अपना जो है ना इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाएगा। उसको बस थोड़ा सा फाड़ना है, मतलब इसके पीसेस बनाने, एकदम से इसकी बुर्जी नहीं बनानी है,
मुझे इस फॉर्म में अच्छा लगता है, इसके लिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप थोड़ा सा भुर्जी भी इसका बना सकते हो। इसके ना मोटे मोटे पीसेस चाहिए मेरे को, ये नहीं चाहिए कि एकदम से भुर्जी बन जाए इसकी, तो थोड़ा सा मैं पीसेस कर रही हूँ इसके। एंड अब भी इसमें ना ये भी मिक्स कर दूंगी मैं इस तरीके से। बड़े बड़े पीसेस जो अंडे के ना अच्छे लगते हैं। ये जो है ना मैंने इसके ऊपर डाल दिए नूडल्स, और इसके ऊपर जाएंगी सारी सॉसेस जो भी मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों सारी सॉसेस को है ना, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, उसको मैंने इस तरीके से एक एक स्पून मैंने लिया है हर चीज का, और एक एक स्पून मैंने हर चीज का जो है मिक्स कर दिया है इसमें कटोरी में इस तरीके से, क्योंकि फिर आसानी होती है डालने में और क्वांटिटी भी सही सही जाती है। देन सारी चीजों को है ना अभी कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग शुड बी मिक्स्ड। अभी मैं आपको बताती हूँ मिक्स करके। तो यहाँ पे आप देख लो दोस्तों, इस तरीके से ना धीरे धीरे मैं मिक्स करती जाऊंगी मैं सारी चीजों को, और ऊपर से ना इसमें डलेगा टमाटर। ऊपर से जब डलता है ना, बेंगलोरी टमाटर मैंने लिया है, मतलब ये जो हम सलाद वगैरह में डालते हैं वो वाला टमाटर मैंने लिया है, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है इस तरीके से। तो मैंने ऊपर से ही डाल दिया इसको, और धीमे धीमे करके ना सारी चीजों को मैं ना धीमे धीमे करके मिक्स करती जाऊंगी। गैस एकदम बिल्कुल मैंने धीमी रखी है, बिल्कुल ना के बराबर, ताकि जो मेरा मसाला मेरे नूडल्स वगैरह तले पे ना चिपके एंड सब कुछ आसानी से हो जाए। अभी इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डालते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जस्ट मैंने आधी छोटी चम्मच ली है गर्म मसाले की, और बस अब इन सारी चीजों को मिक्स कर देना है। बस एक से दो मिनट गैस पे रखना है, ये बढ़िया बढ़िया रेडी है खाने के लिए। इसमें मैंने अपने हिसाब से जो है ना लाल मिर्च की क्वांटिटी कम डाली है, क्योंकि कम खाती हूँ मैं लाल मिर्च, घर पे सभी कम ही खाते हैं। सो अगर आप चाहो तो इसे लाल लाल एकदम लाल मिर्च वाला बना सकते हो, स्पाइसी बना सकते हो अपने हिसाब से। एंड ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है दोस्तों, इसे ना बच्चे तो ये बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो आप इसको ना प्यार से सभी को खिलाइए और देखिए कितना मजा आने वाला है। एंड इसके साथ मैं अभी बनाऊंगी चाय मेरी। तो चलिए इसको एक दो मिनट भूनने देती हूँ मैं, क्योंकि इसमें भी टमाटर डाला है, गरम मसाला डाला है। एक दो मिनट इसको भूनने देंगे, फिर एंड रिजल्ट के साथ मैं आपको मिलती हूँ। तो चलिए दोस्तों, नूडल्स बिल्कुल रेडी है बनकर, गैस में भी बंद कर देती हूँ। दूसरी तरफ मेरी चाय बन रही है, जैसे मेरी चाय बन जाती है आपसे मिलती हूँ इसे प्लेट में लगाकर। ओके बाय। तो ये देखिए दोस्तों, नूडल्स यहाँ पे बन कर जो है गर्मा गर्म जस्ट आउट ऑफ द गैस है, और यहाँ पे चाय भी मेरी बन गई है। मेरी दोस्त, मेरी हमसफर, मेरी सहेली, आई लव माय टी। अगर कुछ लोग मुझे जानते हैं तो आपको पता ही होगा मुझे चाय से कितना प्यार है। सो दिस इज द फिनिश्ड रिजल्ट दोस्तों। आई होप आपको मेरी रेसिपी सिंपल लगी हो। आप चाहो तो अपने हिसाब से इसमें चेंजेस, जो भी आपको कम ज्यादा जो भी करना है आप कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। ये मैं इस तरीके से अपने नूडल्स बनाती हूँ, एग नूडल्स, और मेरे घर पे सभी को पसंद आते हैं, सभी बड़े शौक से खाते हैं। बताई कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा अगर आपने ट्राई किया है। और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आऊंगी अपने चैनल में आपके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, नूडल्स लवर्स, फूडीज के साथ एंड सभी के साथ। तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग एंड एंजॉय ईटिंग। बाय गाइज़।